स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके स्कूल्स कब खुलने वाले हैं और आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आपका नया सेशन कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ज्यादातर बच्चों को ये मन में डाउट होगा कि आपके रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाले हैं और आपका जो नया सेशन है, अगली क्लास आपकी कब से स्टार्ट होगी, आपको स्कूल आना है या नहीं आना है या घर से ही क्लास होगी, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलूं कि हमने पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि आपके जो रिजल्ट्स हैं क्लास 3 से लेके क्लास 8 के, वो 31 मार्च को डिक्लेयर होंगे और आपका जो अगला एकेडमिक सेशन है, जो आपकी नई क्लास है, वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी क्लास 3 to 9 के लिए। तो यहाँ पे ये आपको क्लैरिफाई किया जाता है कि क्लास 3 से क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनमें से किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, सारे ही बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास 3 में हैं तो आप क्लास 4 में प्रमोट होंगे, आप क्लास 8 में हैं तो आप क्लास 9 में प्रमोट होंगे, कोई भी बच्चा इस बार फेल नहीं किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दिल्ली गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से आपका जो रिजल्ट है वो 31 मार्च को डिक्लेयर होगा और सर्कुलर में साफ साफ ये भी लिखा था कि इस बार आपके रिजल्ट्स हैं वो ऑनलाइन ही डिक्लेयर किए जाएंगे, यानी कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हुए हैं उस पे ही आपको रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे आपके। और जो स्टूडेंट्स किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है तो उनको उनके स्कूल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनको उनका रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको स्कूल से कलेक्ट करना पड़ेगा, बट बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, सिर्फ आपके पेरेंट्स ही जाकर के स्कूल में रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल के तरफ से दे दी जाएगी और जो व्हाट्सएप ग्रुप पे है उन्हें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ही रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं नए एकेडमिक सेशन की। तो क्लास 3 to 8 के बच्चों को सभी को प्रमोट किया जाएगा, आपके क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, COVID-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार भी आपको फिजिकली स्कूल नहीं जाना है, आपकी क्लासेस अभी सस्पेंडेड रहेगी और क्लासेस आपकी ऑनलाइन होंगी, यानी कि घर से ही होंगी वर्कशीट्स के द्वारा, जैसा कि अभी तक चल रहा था। तो इस ऑनलाइन टीचिंग को मद्देनजर रखते हुए आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी अब तक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपके क्लास टीचर्स द्वारा या फिर सब्जेक्ट टीचर्स द्वारा, वो आपको छोड़ना नहीं है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बने रहना है, क्योंकि आपको उस ग्रुप के थ्रू ही आपको कम्युनिकेट आपसे किया जाएगा कि आपके रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होंगे, आपके रिजल्ट आएंगे और आपको वर्कशीट्स कैसे मिलेंगी, ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको कोई भी ग्रुप अभी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे वर्कशीट्स का जो एक्टिविटी है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कोहर्ट 1 जो कि क्लास 6 के लिए है और कोहर्ट 2 जो कि क्लास 6 to 7 to 9 के लिए। तो इनिशियली डेली वर्कशीट्स विद जेनरिक कंटेंट एंड क्वेश्चंस एक्टिविटीज दैट विल प्रमोट रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक न्यूमेरेसी एंड हैप्पीनेस अमंग चिल्ड्रन विल बी शेयर्ड, फॉलोड बाय सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स इन ड्यू कोर्स। तो क्लास 6 के लिए डेली वर्कशीट्स निकाली जाएंगी जो कि सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगा, जिसमें आपकी रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स यानी आपकी पढ़ने की क्षमता और आपकी लिखने की जो स्किल्स है, आपकी समझने की जो स्किल्स है और मैथ्स हो गया, आपकी एक्टिविटीज हो गई, ये सब चीजों को एनहांस किया जाएगा और इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इन वर्कशीट्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स होगी, यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं क्लास 6 के वो भी धीरे धीरे कवर किए जाएंगे। डेली 1 वर्कशीट विथ क्वेश्चन, टास्क या एक्टिविटीज इन अ मैक्सिमम ऑफ 1 पेज विल बी शेयर। तो आपकी डेली 1 वर्कशीट आएगी जो कि 1 पेज की होगी, उसमें या तो क्वेश्चंस होंगे या तो आपको कुछ टास्क या एक्टिविटीज दिए जाएंगे। थ्रू दीज वर्कशीट्स द टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे कनेक्टेड विद देयर स्टूडेंट्स एंड सपोर्ट देयर लर्निंग। तो वर्कशीट्स के माध्यम से आपके क्लास टीचर्स और आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपसे कनेक्टेड रहेंगे और पढ़ने में, घर से क्लासेस करने में आपकी सहायता करेंगे। अब बात करते हैं क्लास 7 to 9 की वर्कशीट्स की। डेली सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट्स विद सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट टू स्ट्रेंथन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर सब्जेक्ट मैटर अमंग स्टूडेंट्स। तो आपकी भी डेली वर्कशीट्स आएगी जो कि स्ट्रिक्टली आपके सब्जेक्ट्स पे बेस्ड होगी। तो आपका जो भी, जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, तो अगर मान लो मैथ्स की वर्कशीट है तो आपके मैथ्स के किसी चैप्टर पे बेस्ड होगी और कोशिश की जाएगी कि वर्कशीट्स के थ्रू ही आपके जो चैप्टर्स है वो कवर कर लिए जाए। द एक्टिविटी शीट्स शैल बी फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टॉपिक्स इन 5 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस,
तो कौन से पांच सब्जेक्ट्स पे होगी वर्कशीट्स? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, इन पांचों सब्जेक्ट पे बेस्ड आपकी वर्कशीट्स होंगी। डेली 2 or 3 वर्कशीट्स विद क्वेश्चंस और टास्क एक्टिविटीज इन वन पेज विल बी शेयर। तो डेली आपको 2 या 3 वर्कशीट्स आपको शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पे आपके जो क्लास टीचर्स हैं, जो हो सकता है आपके जो नए क्लास में आपके जो क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आप जो भी नए क्लास में प्रमोट हो रहे हैं, वहाँ पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप को टीचर्स अपडेट करेंगे और वहीं पे आपको वर्कशीट्स सेंड की जाएगी। तो बेसिकली आपके 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जो आपके क्लास टीचर के द्वारा बनाए जाएंगे, जिसमें एक वर्कशीट होगा जिसमें क्लास टीचर एडमिन होगा, यानी उसमें सिर्फ आपके जो टीचर्स हैं वो ही भेज सकते हैं, उसमें आप कोई मैसेजेस सेंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आप वर्कशीट्स या जो आपके टास्क आपको दिए जाएंगे, जो आप आंसर्स जो आप करेंगे उसको आप सेंड करेंगे ग्रुप्स में। तो इस तरीके के आपके 2 वर्कशीट्स होंगे। तो इस तरीके से आपके 2 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन टीचर के द्वारा दी जाएगी और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने वर्कशीट्स को शेयर करेंगे। तो अब वर्कशीट्स आपको कैसे दी जाएंगी? तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको डेली हर डे वाइज वर्कशीट सेंड की जाएगी। जैसे मंडे है तो आपको मंडे की वर्कशीट मंडे को सेंड की जाएगी, ट्यूसडे की वर्कशीट आपको ट्यूसडे की सेंड की जाएगी, और आपको सेम डे ही उस वर्कशीट को सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है या अपडेट करना है। तो इस तरीके से आपको पूरी वीक की वर्कशीट आपको डेली व्हाट्सएप पे सेंड की जाएगी और डेली उसे आप टीचर्स को सेंड करेंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है। तो ऐसे बच्चों को वर्कशीट्स स्कूल से कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स ही जा करके आपके बिहाफ पे वर्कशीट स्कूल से कलेक्ट करेंगे। तो जैसे अगर आप मंडे को आपके पेरेंट्स गए हैं, तो आपको मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे की वर्कशीट्स एक साथ दी जाएंगी। फिर आप क्या करोगे, आप पूरे हफ्ते वर्कशीट सॉल्व करोगे। अब आपको वर्कशीट्स एक ही साथ मिल गई पूरे वीक की, तो आप उसको अगले वीक सबमिट करोगे जब आप नई वर्कशीट लेने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स मंडे को जाते हैं, मंडे को वो सारी वर्कशीट्स लेके आ गए, अब नेक्स्ट मंडे वो जाएंगे अगले वीक की वर्कशीट्स लेने, तो जब वो नई वर्कशीट्स लेने जाएंगे तो आपने जो भी वर्कशीट सॉल्व की है उस वीक की, वो वर्कशीट्स आप एक साथ सारी मंडे को सबमिट करोगे। ऐसा नहीं कि आप हर दिन की वर्कशीट सबमिट करने के लिए आपके पेरेंट्स डेली डेली स्कूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरे वीक की वर्कशीट आपको एक ही दिन सबमिट करनी है। और इसके साथ ही बच्चों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप वर्कशीट्स को सीरियसली लें। ऐसा नहीं कि आप वर्कशीट्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं या ढंग से सॉल्व नहीं कर रहे हैं या वर्कशीट्स को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्कशीट्स के बेसिस पे ही आपको हो सकता है अगले बार भी प्रमोट किया जाए या आपको एग्जाम में नंबर्स उस वर्कशीट के बेसिस पे दिया जाए। तो आपको वर्कशीट्स को बहुत ध्यान से करना है और सिंसियरिटी से करना है। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं, जो भी आपके डाउट्स थे वर्कशीट से रिलेटेड, आपकी क्लासेस से रिलेटेड और आपके रिजल्ट से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर अब भी आपके कुछ डाउट्स हैं या अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने रिजल्ट के बारे में सर्कुलर को एक्सप्लेन किया था, तो अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन्फॉर्मेशन टैब पे देख सकते हैं। तो बच्चों आप चैनल पे बने रहें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सर्कुलर्स निकाले जाएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आपके स्कूल के बारे में या आपके सेशन के बारे में, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। तो बच्चों अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।